हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। आज किस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंस्टाग्राम पर आने वाली पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी के बारे में। दोस्तों, आजकल के अगर आप इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं तो आप सभी के व्यूज़ काफ़ी ज़्यादा डाउन हो चुके हैं। इसके पीछे एक ही कारण है, अगर आप मोनेटाइजेशन स्टेटस में जाते हैं यानी आप अपने पर्सनल डैशबोर्ड में चेक करते हैं गिफ्ट वगैरह में, तो आपको वहाँ पर पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी में आपको इनएलिजिबल कंट्री व रीजन शो हो रहा है। आखिर ये है क्या, आइए इसको देखते हैं। हम यहाँ पर आ गए हैं जहाँ पर हमें करंट पॉलिसी वायलेशन में पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी शो हो रहा है। अगर हम इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर इनएलिजिबल कंट्री और रीजन को शो कर रहा है। आखिर ये होता क्या है? देखिए दोस्तों, इंस्टाग्राम कुछ कंट्री में ही आपको मोनेटाइजेशन उपलब्ध कराता है, यानी कि कुछ कंट्री में ही आप इंस्टाग्राम की मोनेटाइजेशन एक्टिविटी को ऑन कर सकते हैं यानी कि उससे अर्निंग कर सकते हैं। कुछ कंट्री में ये बैन रहता है, तो यहाँ पर सिंपली आपको इनएलिजिबल कंट्री और रीजन शो हो रहा है। इसका मतलब कि आप ऐसी कंट्री या रीजन से बिलोंग नहीं करते हैं जहाँ पर इंस्टाग्राम की मोनेटाइजेशन एक्टिविटी ऑन हो। आप इसमें पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी में जाकर पढ़ सकते हैं इसके बारे में। इसका मतलब यही है कि आप ऐसी कंट्रीज या रीजन से बिलोंग नहीं कर रहे हैं जहाँ पर इंस्टाग्राम मोनेटाइजेशन प्रोवाइड कराता है, यानी कि जहाँ पर आप इंस्टाग्राम से अर्निंग कर सकते हैं। यह प्रॉब्लम क्यों फेस होती है, आइए इसको देखते हैं। फर्स्टली, ये प्रॉब्लम फेस होती है अगर आप अपने मोबाइल फ़ोन में ज़्यादा वीपीएन यूज़ करते हैं तो भी आपको ये प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल, मैं कैपकट एप्लीकेशन को यूज़ करता हूँ। आपको पता ही है कि भारत में कैपकट बैन है, तो इसको यूज़ करने के लिए आपको सिंपली वीपीएन लगाना पड़ता है। मैंने अभी वीपीएन को अनइंस्टॉल कर दिया है अपने फ़ोन में। तो अगर आप अपने फ़ोन में वीपीएन वगैरह यूज़ करते हैं तो आप सिंपली उसको डिलीट कर दें, आपके इंस्टाग्राम पेज से यह प्रॉब्लम ऑटोमेटिकली सोल्व हो जाएगी। अगर इसके बाद भी आपकी प्रॉब्लम सोल्व नहीं होती है तो आप सिंपली प्ले स्टोर में जाकर इंस्टाग्राम को अपडेट कर सकते हैं। हमारी इंस्टाग्राम एप्लीकेशन ऑलरेडी अपडेट है, तो उसके बाद भी हमें ये मोनेटाइजेशन पॉलिसी शो हो रही है। तो आइए देखते हैं कि इसको हम कैसे सही कर सकते हैं, कैसे इसके लिए रिक्वेस्ट वगैरह सबमिट कर सकते हैं, आइए देखते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर अगर हम इसमें जाते हैं तो हमें और कोई ऑप्शन शो नहीं होता है। यहाँ पर आप एक रिक्वेस्ट ए रिव्यू कर सकते हैं। जैसे हम रिक्वेस्ट ए रिव्यू पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर यह कहता है कि आप 90 डेज में एक बार रिक्वेस्ट सबमिट कर सकते हैं। अगर आप सोचते हैं कि आपका जो पॉलिसी वायलेशन है वो गलत है, तो आप 90 डेज में एक बार आप में सबमिट ए रिव्यू रिक्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर आप सबमिट रिव्यू रिक्वेस्ट के ऑप्शन पर क्लिक नहीं कर पाते हैं, यानी यह ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। तो इसमें घबराने की आपको कोई भी आवश्यकता नहीं है। यह जो आपको पॉलिसी आई है, यह किसी इंस्टाग्राम के अपडेट के थ्रू आई है। एलिजिबल कंट्री में है तो आपको कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। ऑटोमेटिक 90 डेज में या किसी अपडेट के जरिए इंस्टाग्राम रिमूव कर देगा। आप इससे रिलेटेड कितनी भी वीडियो देख सकते हैं। हाँ, इस पॉलिसी के आने से आपकी रीच थोड़ी डाउन है। मैंने कई कंटेंट क्रिएटर से बात की है, लगभग हर किसी की रीच इस पॉलिसी के आने से के बाद डाउन है। लेकिन आप कंटिन्यू वीडियो डालते रहिए, आपकी रीच दोबारा से आपके नॉर्मल लेवल पे आ जाएगी। वह इंस्टाग्राम अपने अपडेट के जरिए इस पॉलिसी को टेक डाउन कर लेगा, तो आपको डरने की कोई भी बात नहीं। यदि आपका पेज मोनिटाइज है तो आपके मोनिटाइजेशन स्टेटस पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, यानी कि अगर आप इंस्टाग्राम से अर्न कर रहे हैं तो इस पे आपके अर्निंग पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। दोस्तों, ये पॉलिसी इंस्टाग्राम खुद ब खुद टेक डाउन कर लेगा किसी न किसी अपडेट के जरिए, तो आपको इससे डरने की कोई भी जरूरत नहीं है। इंडिया की बात करें तो इंडिया एक एलिजिबल कंट्री है जहां पर आप इंस्टाग्राम से अर्निंग कर सकते हैं बाय गिफ्ट, ब्रांडेड कंटेंट एंड सब्सक्राइबर बेस, आप इससे अर्निंग कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और साथ ही साथ इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें, सो दैट यू विल नेवर मिस एन अपडेट फ्रॉम आवर चैनल। और अगर आपको इंस्टाग्राम से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो आप सिंपली कमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको इस चैनल के माध्यम से इंस्टाग्राम ग्रोथ वगैरह से रिलेटेड वीडियो बनाता रहता हूँ, जहाँ पर आप इजीली अपना इंस्टाग्राम अकाउंट ग्रो कर सकते हैं, वह उससे अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं।